बिग बॉस के घर में पहुंचे मुनव्वर फारूकी अपने दोस्त का कर दिया खुला सपोर्ट, सना मकबूल और नेजी पर किया बड़ा खुलासा। बंद हो गई वोटिंग लाइंस, अपनी चाल में कामयाब हो गए बिग बॉस के मेकर्स, सना कटारिया साईं अरमान में दो लोग हो गए एलिमिनेट। आज बिग बॉस के घर में फिर डबल इविक्शन, एक को लेकर जाएंगे मुनव्वर फारूकी और दूसरे को मेकर्स करेंगे घर से बाहर। बिग बॉस के घर में मुनव्वर फारूकी पहुंच गए। मुनव्वर ने घर के अंदर पहुंचते ही कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। इसके साथ ही मुनव्वर ने अपने दोस्त का खुलकर समर्थन भी कर दिया है। सना मकबूल, लव कटारिया, साई केतन और अरमान मलिक, इन चार में से अरमान मलिक का जाना 100% तय है, क्योंकि वोटिंग लाइन्स में 100 में से 85% वोट अरमान को घर से बाहर करने के लिए दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर 10% वोट लव कटारिया को मिले हैं और 5% वोट सना मकबूल और साई केतन राव को घर से बाहर करने के लिए मिले हैं। अरमान मलिक को पब्लिक ने उठाकर बिग बॉस के घर से बाहर फेंक दिया है, लेकिन एक नहीं बल्कि डबल इवेक्शन होने जा रहा है, मतलब इन चार में से दो लोगों को घर से बेघर कर दिया जाएगा। तो अरमान के बाद दूसरा कौन है जिसे बाहर किया जाएगा, लव कटारिया या फिर साई केतन राव? बिग बॉस के घर में मुनव्वर फारूकी को भेजा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुनव्वर का घर वालों ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन घर वालों को ये बात पता नहीं थी कि मुनव्वर अपने साथ घर से किसी एक को अपने साथ लेकर भी जाएंगे। पहले मुनव्वर फारूकी घर वालों के साथ एक गेम खेलते हैं, जिसमें सभी घर वालों को दिल की बात कहनी होती है। टास्क के दौरान की तस्वीरें हैं जिसमें लव कटारिया, अरमान मलिक, साई केतन और सना के साथ मुनव्वर दिख रहे हैं। टास्क खत्म होने के साथ अपने साथ मुनव्वर अरमान को भी लेकर जाते हैं। बिग बॉस के घर के बाहर जब मुनव्वर से पेपराजी ने पूछा कि आपका फेवरेट कौन है, इसके जवाब में मुनव्वर ने पेपराजी नेजी का नाम लिया। मुनव्वर ने कहा है नेजी को अब नया बूस्ट मिलेगा उसके करियर में, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। इसके साथ ही सना मकबूल के लिए मुनव्वर ने कहा है कि वो जैसी बाहर है वैसी घर के अंदर भी है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिग बॉस के मेकर्स ने जो चाल चली थी उसमें वो कामयाब हो गए। बिग बॉस ने इस बार कहा था कि जिसको घर से बाहर करना है उसे वोटिंग करनी है, इस वजह से कंफ्यूज होकर कटारिया के फैंस ने उन्हें ही वोट कर दिया, जिसकी वजह से पहले अरमान और दूसरे नंबर पर कटारिया, इसके बाद साई केतन और फिर सना मकबूल पहुंच गई। बिग बॉस के अंदर से जो खबर आ रही है, मेकर्स डबल इवेक्शन करने जा रहे हैं, मतलब अरमान मलिक के साथ साथ लव कटारिया को भी बाहर किया जाएगा। अगर लव कटारिया बाहर नहीं होंगे तो फिर अरमान और साई केतन को बाहर किया जाएगा। बिग बॉस के मेकर्स इस बार सबसे गंदा खेल खेल रहे हैं, ऐसे में हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि अरमान मलिक के ऊपर लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है और जनता ने अरमान को बिग बॉस के घर से बाहर फेंक दिया है। अगर जनता के वोट से फेयर गेम होता है तो सबसे पहले साई केतन राव, नेजी, अरमान और कृतिका को बाहर पब्लिक फेंक देती, लेकिन होगा वही जो बिग बॉस के मेकर्स चाहेंगे। इस बार भी लव कटारिया को बाहर करने के लिए डबल इवेक्शन की कहानी मेकर्स ने लिखी है। मुनव्वर एल्विश यादव के दोस्त हैं, यही वजह कि घर के अंदर जाते ही सबसे पहले मुनव्वर ने लोकेश कटारिया को गले लगाया। एक दिन पहले अरमान रात में कैसे नाटक कर रहा था कि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन जैसे ही पता चला कि बिग बॉस के घर से उसे बाहर फेंक दिया गया है, मुंह छोटा सा हो गया। जो कृतिका मलिक शो छोड़कर घर से बाहर जाने की बात कर रही थी, वो भी अरमान के बिना अकेले ही रहने का फैसला कर लिया है। मेकर्स जिस तरह का गंदा गेम खेल रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि बिग बॉस को अरमान और कृतिका भाभी से प्यार हो गया है, तभी तो इन दोनों को बचाने के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।